फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम विश्व टीकाकरण सप्ताह की बात करेंगे, लेकिन इससे पहले आपको बता दें कि हमारे और वीडियोज आप देखने के लिए YouTube पर एग्जाम स्टडी एक्सी सर्च करें, वहां पर सारी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएंगे, अन्यथा डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक को टच करें। चलिए पहला सवाल देखते हैं, वर्ष 2020 में विश्व टीकाकरण सप्ताह कब मनाया जा रहा है? तो ये 24 से 30 अप्रैल के बीच में वो विश्व टीकाकरण सप्ताह मनाया जा चुका है, जिसकी मुख्य थीम रही है #vaccinesworkforall। और वहीं पर देख लेते हैं कि विश्व टीकाकरण दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व टीकाकरण दिवस जो है वो प्रत्येक वर्ष जो है 10 नवंबर को मनाया जाता है। 10 नवंबर को जो है विश्व टीकाकरण दिवस जो है मनाया जाता है, और 24 से 30 अप्रैल के बीच में जो है विश्व टीकाकरण सप्ताह मनाया जा चुका है। टीकाकरण में दरअसल होता क्या है, जब भी किसी बीमारी के प्रति किसी को टीका दिया जाता है तो उससे होता क्या है कि व्यक्ति के शरीर में जो है प्रतिरोधक क्षमता का विकास होता है, यानी कि संबंधित रोग के प्रति जो है प्रतिरोधक क्षमता का विकास होता है, यानी कि टीका के द्वारा क्या होता है, इम्यून सिस्टम जो होता है उसको जो है बरकरार किया जाता है, उसको और ज़्यादा मजबूत बनाया जाता है, बढ़ाया जाता है। और नेक्स्ट देखते हैं कि विश्व कार्यस्थल स्वास्थ्य एवं सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व कार्यस्थल एवं सुरक्षा दिवस जो कि प्रत्येक वर्ष 2020 में मनाया जा रहा है, ये 28 अप्रैल को मनाया जाता है। और इस बार की थीम जो रही है वो रही है स्टॉप द पैंडेमिक स्टे एंड हेल्थ एट वर्क कैन सेव लाइव्स, यानी कि ये क्या कहते हैं, ये जो है इसकी थीम रही है, लेकिन इसको मनाने का उद्देश्य जो रहता है वो उद्देश्य ये है कि कार्यस्थल पर जो कर्मकार हैं, जो काम करने वाले लोग हैं, उनकी हेल्थ की जो है सुरक्षा किया जाए, उनको उनकी हेल्थ की ओर ध्यान दिया जाए। और अगली न्यूज खाड़ी देशों को लेकर के है, जिसमें है कि अप्रैल 2020 में किस खाड़ी देश ने नाबालिगों द्वारा किए गए अपराधों के लिए मृत्यु दंड को समाप्त कर दिया है। तो सऊदी अरब जो है एक ऐसा देश है जिसने अप्रैल 2020 में नाबालिगों द्वारा अगर कोई अपराध किया जा रहा है तो उसमें मृत्यु दंड जो है अब नहीं दिया जाएगा, उसमें सजा का प्रावधान होगा, लेकिन सजा का जो प्रावधान होगा वो जो है 10 साल से ज़्यादा का सजा नहीं होगी। और इससे पहले जो है कोड़े मारने की भी जो है सजा का प्रावधान था, तो सऊदी अरब ने जो है कोड़े मारने की प्रथा को भी समाप्त कर दिया है। अब इसी के साथ में हम कुछ प्रसिद्ध पुस्तक हैं जो अप्रैल महीने की हैं उनको देख लेते हैं। एक पुस्तक है, पुस्तक सटलिंग टू द टॉप द स्टोरी ऑफ पीवी सिंधु। इसके लेखक पूछ रहे हैं कि कौन है, तो इस पुस्तक के लेखक हैं वी कृष्णा स्वामी। और अप्रैल 2020 में जो है पुस्तक सटलिंग टू द टॉप द स्टोरी ऑफ पीवी सिंधु का विमोचन किया गया है। वी कृष्णा स्वामी इसके जो है लेखक हैं, और पीवी सिंधु आप जानते होंगे कि प्रसिद्ध बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। पीवी सिंधु की कुछ और उपलब्धियां देख लेते हैं कि सिंधु ओलंपिक में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय और एकमात्र महिला खिलाड़ी हैं, साथ ही में फोर्ब्स की विश्व की सबसे अधिक कमाई करने वाली महिला एथलीट भी हैं, यानी कि ओलंपिक खेल में जो है वो सबसे पहले रजत पदक हासिल करने वाली एकमात्र भारतीय महिला हैं, और साथ ही फोर्ब्स की सूची में जो सबसे अधिक कमाई करने वाली महिला के रूप में भी पीवी सिंधु शामिल हैं। पुस्तक द डेथ ऑफ जीसस के लेखक कौन हैं, पुस्तक द डेथ ऑफ जीसस के लेखक जो हैं इस समय कौन हैं, तो यहाँ पर विकल्प में कई नाम दे रखा है, लेकिन मैं जैसा कि आपको बताया हूँ मैं विकल्प की चर्चा नहीं करता हूँ, जो सही है उसी की मैं चर्चा करता हूँ। तो पुस्तक द डेथ ऑफ जीसस के जो लेखक हैं वो हैं JM Quetzee, और यहाँ पर देख सकते हैं कि 2020 में पुस्तक द डेथ ऑफ जीसस प्रकाशित की गई, जिसके लेखक JM Quetzee हैं। उनकी यह तीसरी बुक है, और पहली बहुत सारी बुक जो है वो 2014 में द चाइल्डहुड ऑफ जीसस, 2018 में स्कूल डेज ऑफ जीसस प्रकाशित हुई थी। दक्षिण अफ्रीकी लेखक JM Quetzee ने 2003 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार भी जीता था। उन्हें दो बार 1983 में और 1999 में बुकर पुरस्कार भी प्राप्त हो चुका है, बुकर पुरस्कार भी मिल चुका है। यानी कि ये जो लेखक हैं JM Quetzee वो अफ्रीकी लेखक हैं, कहाँ के हैं, वो दक्षिण अफ्रीका के लेखक हैं। और नेक्स्ट देखते हैं कि 21 अप्रैल 2020 को किस नगर निगम ने क्वारंटाइन लोगों की निगरानी के लिए संयम मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है। तो पुणे नगर निगम ने जो है क्वारंटाइन लोगों के लिए जो COVID-19 की वजह से जो 14 दिन का क्वारंटाइन होता है उसके लिए एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है, जिसका नाम है संयम मोबाइल ऐप। और अगला सवाल देखते हैं कि 21 अप्रैल 2020 को किसने कोविड इंडिया सेवा प्लेटफॉर्म लॉन्च किया। तो डॉक्टर हर्षवर्धन ने जो है कोविड इंडिया सेवा प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। और नेक्स्ट देखते हैं अप्रैल 2020 में किस कंपनी ने वेंटिलेटर के उत्पादन हेतु फ्रांसीसी कंपनी एयर लिक्विड मेडिकल सिस्टम के साथ साझेदारी की है। तो हुंडई मोटर्स ने जो है वो फ्रांसीसी कंपनी है जिसका नाम है एयर लिक्विड मेडिकल्स, इसके साथ में साझेदारी की है, जो 1000 वेंटिलेटर्स बनाएगी, और ये निर्माण फर्स्ट स्टेज का होगा, सेकेंड स्टेज में जो है इसमें और ज़्यादा वृद्धि की जाएगी। चलिए अगला देखते हैं, 21 मार्च 2020 को केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने ऐसे ड्राइविंग लाइसेंस और वाहन पंजीकरण जिनकी वैधता अवधि समाप्त हो चुकी है कि अवधि को कब तक विस्तारित किया है। तो उस अवधि को जो है 30 जून 2020 तक विस्तारित कर दिया है।
और यहाँ पर देख सकते हैं 31 मार्च 2020 को केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने ड्राइविंग लाइसेंस, परमिट और पंजीकरण जैसे जो दस्तावेज थे जिनकी वैधता 1 फरवरी 2020 को समाप्त हो चुकी थी उसको जो है 30 जून 2020 तक शामिल कर दिया है। और इस जो है क्या कहते हैं दस्तावेज में शामिल कौन कौन से हैं, तो पंजीकरण, ड्राइविंग लाइसेंस, परमिट, फिटनेस, ये सभी जो है डॉक्यूमेंट इसमें शामिल हैं। और अगला देखते हैं 31 मार्च 2020 को भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद ने कोरोना वायरस पर वैश्विक चित्रकला प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। 1950 में भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद की स्थापना किसने की थी, तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने, जो भारतीय संस्कृति है उस उनकी उनके संबंधों को प्रगाढ़ता प्रदान करने के लिए इस परिषद की स्थापना की थी। यही सवाल इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि कोरोना वायरस पर वैश्विक चित्रकला प्रतियोगिता का शुभारंभ किस संस्था ने किया था, तो भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद ने किया था जिसकी स्थापना 1950 में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने की थी। और उसके बाद में एक नॉर्टन ऑटोमोबाइल कंपनी है, मोटरसाइकिल कंपनी है जो कि ब्रिटेन की है, इससे संबंधित न्यूज़ है, देख लेते हैं क्या न्यूज़ है। न्यूज़ ये है कि 17 अप्रैल 2020 को किस कंपनी ने ब्रिटेन की आइकॉनिक स्पोर्ट मोटरसाइकिल कंपनी नॉर्टन का पूर्ण अधिग्रहण किए जाने की घोषणा की है, तो TVS मोटर्स कंपनी लिमिटेड ने जो है नॉर्टन का अधिग्रहण करेगी, पूरी तरीके से अधिग्रहण करेगी ये कंपनी। और अगली न्यूज़ देखते हैं कि 28 अप्रैल 2020 को एशियाई विकास बैंक और भारत सरकार के बीच कितनी राशि का ऋण समझौता हस्ताक्षर हुआ है या हस्ताक्षरित हुआ है, तो 1.5 अरब डॉलर जो है क्या कहते हैं ऋण समझौते को लेकर के ADB जो है एशियाई डेवलपमेंट बैंक जो है और भारत सरकार के बीच में समझौते पर हस्ताक्षर हुआ है। यानी कि ये एशियाई विकास बैंक जो है वो COVID-19 महामारी से निपटने के लिए जो है भारत को 1.5 अरब डॉलर की जो है वो ऋण राशि मुहैया करवाएगी। 31 मार्च 2020 को किस देश की अध्यक्षता में G20 के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों की दूसरी असाधारण वर्चुअल बैठक संपन्न हुई, तो ये देश जो है वो सऊदी अरब है। सऊदी अरब की अध्यक्षता में जो है वो क्या कहते हैं G20 की ये वर्चुअल बैठक संपन्न हुई है। और नेक्स्ट देखते हैं कि 21 अप्रैल 2020 को किस देश के कृषि मंत्री की अध्यक्षता में, ध्यान रखना है यहाँ पर कृषि मंत्री कह रहे हैं, कृषि मंत्री की अध्यक्षता में G20 देशों की कृषि मंत्रियों की असाधारण बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संपन्न हुई, तो ये सऊदी अरब है। सऊदी अरब की कृषि मंत्री की अध्यक्षता में बैठक संपन्न हुई है। और अगली न्यूज़ देख लेते हैं, दिल्ली सरकार के द्वारा जो ऑपरेशन शील्ड शुरू किया गया है कि चिन्हित हॉटस्पॉट क्षेत्रों में कोरोना वायरस संक्रमण से निपटने हेतु कहां पर ऑपरेशन शील्ड शुरू किया गया है, तो ऑपरेशन शील्ड जो है वो दिल्ली में शुरू किया गया है। देख सकते हैं कि 9 अप्रैल 2020 को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने चिन्हित हॉटस्पॉट क्षेत्रों में कोरोना वायरस संक्रमण से निपटने हेतु ऑपरेशन शील्ड की जो है यहाँ पर इन्होंने घोषणा की है। और अगला सवाल देख लेते हैं, अगला सवाल क्या है, अगला सवाल है कि 10 अप्रैल 2020 को किसने देश में ऑनलाइन शिक्षा के जरिए लोगों को आपस में जोड़ने के लिए बड़ी संख्या में लोगों के विचार जानने के उद्देश्य से 1 सप्ताह लंबा भारत पढ़े अभियान शुरू किया है, तो रमेश पोखरियाल निशंक ने शुरू किया है। और अगला देखते हैं कि 29 मार्च 2020 को केंद्र सरकार ने COVID-19 से संबंधित जवाबी गतिविधियों के लिए निजी क्षेत्र NGO और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ समन्वय स्थापित करने के लिए किसके अध्यक्षता में एक अधिकार प्राप्त समूह का गठन किया है, तो नीति आयोग के CEO जो हैं अमिताभ कांत को मिलाकर के जो है उन्हीं की अध्यक्षता में एक जो है ये क्या कहते हैं संगठन बनाया गया है। अब इसमें शामिल कौन कौन होंगे, तो इसमें देखिए संयुक्त राष्ट्र जो है उसकी एजेंसियाँ होंगी, उद्योग संघ होंगे और नीति आयोग होंगे, और नीति आयोग के CEO जो हैं अमिताभ कांत जो है उसकी अध्यक्षता ही करेंगे इस समूह की। और नेक्स्ट देखते हैं 21 अप्रैल 2020 को किस राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा घोषित मुख्यमंत्री COVID-19 योद्धा कल्याण योजना के संबंध में विस्तृत कार्य योजना आदेश जारी किए गए हैं, तो यह है मध्य प्रदेश के द्वारा, और जो है ये योजना 30 मार्च 2020 से 30 जून 2020 तक लागू होगी। और राजस्व विभाग को जो है नोडल विभाग बनाया गया है प्रदेश के, मध्य प्रदेश का जो राजस्व विभाग है वो उसका नोडल विभाग होगा। और अगला धनवंतरी योजना को लेकर के सवाल है, 24 अप्रैल 2020 को किस राज्य में बाजार में अनुपलब्ध दवाइयां सीधे रोगियों को घर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से धनवंतरी योजना शुरुआत की गई है, तो ये है असम। असम में जो दवाएं बाजार में मार्केट में उपलब्ध नहीं हैं उनको धनवंतरी योजना के तहत जो है रोगियों के घर तक पहुंचाया जाएगा। और यहाँ पर देख सकते हैं कि योजना के तहत स्वास्थ्य कर्मियों द्वारा ऐसे रोगियों को दवाएँ उपलब्ध कराए जा रहे हैं जिन्हें अपने घर से 10 किलोमीटर के दायरे में दवा नहीं मिल पा रही है।